नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। घोषणा पत्र के जारी होने के बाद और अपने आप में किस तरह से बड़ी तब्दीलियां की गई है मीनाक्षी, ये देखने की बात। लुक, ड्यूरिंग कोविड एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर कोविड ड्यूरिंग यूक्रेन इन ऑल दीज ऑपरेशंस इन द डिफिकल्टीज व्हिच डिफरेंट कंट्रीज वेंट थ्रू, they found india standing by them, they found india standing by them when other countries with more resources did not stand by them. So what has happened is it has today generated a feeling for us in the world, and this feeling is particularly intense in the global south, but not restricted to the global south. So I think more countries today feel closer to us, we are more trusted, we are trusted emotionally, we are trusted even in technology, we are trusted economically, politically. So I think there was a good reason why we kind of shifted gear in a sense and moved it to Vishwabandhu. Right. So also the manifesto talks about through the Ministry of External Affairs, obviously India setting up Thiruvalluvar centers around the world, obviously. So the objective is that world's most ancient language gets some visibility around the world. Also, the manifesto talks about India certifying yoga teachers in some ways or starting some kind of certification. So, in a sense, ownership of India's heritage and legacy. Taken together, the Vishwabandhu idea in more intense engagement, you know, things like Thiruvalluvar centers. How is it going to be done in terms of over the next 5 years, Ministry of External Affairs getting more muscle, more strength? Are we going to see more missions being set up, the strength of the diplomatic corps being increased and India becoming more visible around the world through that? Short answer. And at this time, we have Kendriya Mantri Hardeep Singh Puri joined us. Hardeep Singh Puri ji, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आ रही है आपकी आवाज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रिपब्लिक भारत पर। सर, पहला सवाल तो यही है, क्योंकि एक सकारात्मक सोच के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें तमाम बातें कही गई हैं। समान नागरिकता संहिता लागू करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया गया है, देश में एक मतदाता सूची बनाएंगे, करप्शन के खिलाफ ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल जिन बातों का जिक्र किया गया वो सिर्फ इधर उधर की बातें हैं, इसका विकास से कोई लेना देना नहीं। कैसे आप रिएक्ट करेंगे? तो विपक्ष की जो बातें हैं वो कह रहे हैं इनका विकास के साथ कोई लेना देना नहीं है। उनको कहिए कि जो हमारा संकल्प पत्र है 69 पेजेस का, उसके पहले जो कुछ पेजेस हैं जिसपे हमने जो 10 साल में विकास के आंकड़े हैं हमारे, उनको ज़रा पढ़ लें, उसमें समझ लेंगे। हमने 10 साल में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाए और लाभार्थियों को दिए। इन्होंने अपने 10 साल में 13 लाख बनाने की कोशिश की और उसमें सिर्फ वो 7 लाख बना पाए। हमने कहा कि 4 लाख, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 4 लाख हमने आवास सैंक्शन किए और 3 लाख, 3 करोड़, 4 करोड़ किए और 3 करोड़ आने वाले समय में और करेंगे, टोटल 7 करोड़। आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, आप बायोफ्यूल्स देख लीजिए, आप ड्रोन लखपति दीदी देख लीजिए, मुद्रा लोन में 10 लाख का यूनिट जो सीलिंग है वो 20 लाख कर दिया। आप स्वनिधि स्कीम देख लीजिए, आप आयुष्मान भारत देख लीजिए जी। तो मुझे लगता है कि चुनाव के समय वो हमारे जो मशहूर चैनल हैं, आप जैसे रिपब्लिक भारत, आपके पास थोड़ा समय होता है तो आप ये जो विपक्षी दल है वो जो बातें करते हैं आप फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, पर आप उसको एनालाइज करिए तो लगता है इनको खुद पता नहीं ये क्या बात कर रहे हैं जी जी। लेकिन जो
हम देख पा रहे हैं संकल्प पत्र वो किस तरीके से लोक लुभावन नहीं है बल्कि विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि 2014 में भी हमने देखा, 2019 में भी हरदीप जी हमने देखा था कि बीजेपी की तरफ से जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए हैं। लेकिन इसमें जो एक ये वादा है एलपीजी और फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पुअर, कैसे इसे आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि क्या इतना बजट होगा हमारे पास? देखिए 2014 के संकल्प पत्र में जो हमने वादे किए और 2019 के संकल्प पत्र में किए हमने सारे पूरे किए, हमने कोई भी कसर कहीं किसी मुद्दे पे नहीं छोड़ी। हमारी अप्रोच मुफ्त बिजली पे के लिए और इनकी अप्रोच में बहुत फर्क है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कहती है कि ये 300 यूनिट फ्री दे दो, आम आदमी पार्टी ने कहा, तो किसी की अगर 500 यूनिट हो तो कह रहे 2 मीटर लगा लो, एक में 300 मुफ्त हो जाएगा और दूसरे में 200 हो जाएगा। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा एक नई योजना बनाई है हमें, जिसमें आप हमसे सब्सिडी लीजिए और आप अपने आवास के छत पे सोलर पैनल लगाइए, जो उससे बिजली मिलेगी उसमें आप अपनी कंजम्पशन के लिए 300 यूनिट यूज कर लीजिए, 18,000 रुपये आपको साल का बचेगा। जो एक्स्ट्रा बिजली होगी उससे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगा लीजिए। पर सर इसे फ्रीबीज से जोड़कर देख रहा है विपक्ष, और उसका भी आपको प्रॉफिट, इसे फ्रीबीज से जोड़कर देख रहा है विपक्ष। फ्रीबी तो है ही नहीं, ये तो एक स्कीम बनाई है नहीं, इसमें वो फ्रीबीज से जोड़ रहे, उनकी अगर ऐनक खराब है तो आईसाइट खराब है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इसमें तो प्रोडक्टिविटी होगी, एक्स्ट्रा बिजली पैदा होगी, उसमें से उनको 300 यूनिट मिलेंगे, तो इसलिए फ्रीबी की तो बात ही नहीं है जी। भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की बात हो रही है, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब की बात हो रही है, 2047 का जो एक्शन प्लान है वो कितना प्रोडक्टिव रहने वाला है इसकी झलक भी हमने देखी है आपके मैनिफेस्टो में, लेकिन क्या ये बिलीवेबल होने वाला है नए यूथ के लिए, क्योंकि वो बहुत उम्मीदों से देख रहा है इस मैनिफेस्टो को? 100% देखिए ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट नहीं है, ये जो संकल्प पत्र है इसमें 69 पेज में संकल्प पत्र में पहले जो हमने 10 साल में किया वो स्पष्ट तरीके से लिखा गया, अगले 5 साल में हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे वो फिट इन होता है 2029 के बाद का जो समय है, जब 2047 तक एक विकसित भारत बनाने में वो पूरी क्लैरिटी के साथ ये विजन डॉक्यूमेंट जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो पूरी तरीके से समझाया गया। सर एक बात और, जो ये संकल्प पत्र है उसमें हमने ये देखा है कि महिलाएं जो पुरुषों से पीछे चल रही हैं उन्हें किस तरीके से बराबर लाकर के खड़े करने की योजनाएं हैं वो देखने को मिल रही है, फिर लखपति दीदी की बात करें या फिर इसके अलावा महिलाओं के लिए जो हॉस्टल के निर्माण की बात की जा रही है यहाँ पर।